हेलो एवरीवन, माय नेम इज पांडे एंड यू आर वाचिंग सीबीएसई टी पॉइंट। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की पोयम, और जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ एनिस्ट्री। द लेक आइल ऑफ एनिस्ट्री एंड दिस पोयम इज रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। गाइस, ये पोयम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, पोएट के बारे में, जो है विलियम बटलर यीट्स। चलिए गाइस आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब थोड़ा सा हम पोएट के बारे में देख लेते हैं। विलियम बटलर यीट्स, 13 जून 1865, 28 जनवरी 1939। सो ये जो पोएम है द लेक आइल ऑफ एनिस्ट्री, दिस पोएम वॉज रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स एंड ही वॉज बॉर्न इन 13 जून 1865 एंड ही वॉज पास्ड अवे इन 28 जनवरी 1939। 28 जनवरी 1939 वॉज एन आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, प्रोज राइटर एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। वो कौन थे? एक आयरिश थे, ठीक है, आयरलैंड से थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, प्रोज राइटर थे, और वो बहुत ही ज्यादा एक फेमस फिगर भी थे 20th सेंचुरी लिटरेचर के, ठीक है। तो ये तो रहा, ये किसके बारे में हमने पढ़ा अभी, पोएट के बारे में। अब हम देख लेते हैं इन्होंने जो पोएम लिखी है द लेक आइल ऑफ एनिस्ट्री, ये किसके बारे में है। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ एनिस्ट्री। ये जो वेल नोन, ये जो बहुत ही फेमस पोएम है द लेक आइल ऑफ एनिस्ट्री, किसकी? विलियम बटलर यीट्स की। इसमें बताया गया है जो पोएट है वो क्या है, उसकी क्या इच्छा है कि वो कहाँ जाना चाहता है, वो एनिस्ट्री जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? एनिस्ट्री, जहां पर जाके उसको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, ट्रैंक्वालिटी मतलब शांति मिलेगी, सेरेनिटी मिलेगी, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा आराम महसूस होगा, उसको बहुत ज्यादा शांति महसूस होगी। कहाँ पे जाके? एनिस्ट्री में। तो उसकी इच्छा है कि वो कहाँ जाना चाहता है? एनिस्ट्री जाना चाहता है, ठीक है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, वो प्लेस जहां पे उसने बहुत सारा समय बिताया था अपने बचपन में, ठीक है। दिस पोएम इज अ लिरिक, दिस पोएम इज अ लिरिक। लिरिक का मतलब होता है जब कोई पोएट कोई पोएम लिखता है जो बहुत ही म्यूजिकल होती है और राइमिंग पोएम होती है। जब कोई पोएट किसी पोएम को लिखता है और वो बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल होती है और राइमिंग होती है, जिस पोएम जो पोएम बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल होती है और राइमिंग होती है, उस पोएम को हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं लिरिक, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस, अब हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टंजा। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहला स्टंजा किसका, द लेक आइल ऑफ एनिस्ट्री, ठीक है। सो सबसे पहले स्टंजा रीड करेंगे, उसमें जो हार्ड मीनिंग है, जो वोकैबुलरीज है वो देखेंगे, और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए, आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू द एनिस्ट्री। I had a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud clay. ठीक है, सबसे पहले इसमें जो हार्ड वर्ड है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है अराइज का मतलब होता है उठना, जागना, ठीक है, खड़े होना, जिसका मीनिंग होता है स्टैंड अप। क्या होता है? स्टैंड अप, खड़े होना। खड़े हूं, ठीक है। फिर है कैबिन, कैबिन का मतलब क्या होता है? रूम। फिर है कैबिन, कैबिन का मतलब होता है रूम, कमरा, ठीक है। फिर है वेटल्स, वेटल्स होता है ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंस एंड वॉल्स। जो स्टिक्स होते हैं, जो लकड़ी होती है, उनको जब तोड़ मरोड़ के उनको हम यूज करते हैं किसके लिए? वॉल्स बनाने के लिए। वॉल्स बनाने मतलब दीवार बनाने के लिए, ठीक है। लकड़ी वाली जब दीवार बनाने के लिए हम लकड़ियों को मोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटल्स बोलते हैं, वेटल्स। नेक्स्ट है ग्लेड, ग्लेड मतलब होता है क्लियरिंग, ओपन स्पेस, कोई भी खुली जगह, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेड बोलते हैं। इसका जो मीनिंग है वो है ओपन स्पेस, खुली जगह, ठीक है। उसके बाद है बी लाउड। अब यहाँ पे जो बी लाउड है, ये जो बी लाउड है, इसका मतलब होता है रेफर्स टू द साउंड मेड बाय द बर्जिंग ऑफ बीज।
जो मधुमक्खी की जो भिन्न भिन्न करने की जो आवाज होती है, जो मधुमक्खी की जो भिन्न भिन्न करने की आवाज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बी लाउंड बोलते हैं। वो हम उसको रेफर करते हैं, जो मधुमक्खी की भिन्न भिनाने की जो आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बी लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी लाउड। समझ में आ गया। अब हम इस स्टैंजा को जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। चलिए, आई हेयर रेफर्स टू द पोएट विलियम यीट्स। यहाँ पे जो आई है, ठीक है, जो ये फर्स्ट स्टैंजा में ये जो आई है ये किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है खुद पोएट अपने आप को, जो है विलियम यीट्स। जो ये पोएम है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, ये लिखी है विलियम यीट्स ने। किसने लिखी है गाइस, विलियम यीट्स ने। ही सेज दैट ही वांट्स टू गो टू एनिस्फ्री। अब यहाँ पे जो ये पोएट है विलियम यीट्स है, वो कहते हैं कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ एनिस्फ्री आइलैंड। ये क्या है, वो जाना चाहते हैं एनिस्फ्री आइलैंड, जहां पे वो बचपन में जाया करते थे। कौन, विलियम येट्स, ठीक है। वो अपनी स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि वो कहां जाना चाहते हैं, वो एनिस्फ्री आइलैंड जाना चाहते हैं जहां पे वो बचपन में जाया करते थे। ओवर देयर ही विल बिल्ड अ स्मॉल रूम फॉर हिमसेल्फ विद क्ले एंड स्मॉल स्टिक्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक द वॉल्स और द फेंसेस ऑफ द केवन। और वहां पे जाके एनिस्फ्री में जाके वो क्या करना चाहते हैं, ही विल बिल्ड अ स्मॉल रूम फॉर हिमसेल्फ। वहां पे जाके वो एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं, छोटा सा रूम बनाना चाहते हैं, छोटा सा कमरा बनाना चाहते हैं अपने लिए। किसकी मदद से, क्ले। क्ले क्या होती है गाइस, क्ले एक मिट्टी होती है, जिसकी मदद से वो क्या बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा कमरा बनाना चाहते हैं एनिस्फ्री आइलैंड में जाके, ठीक है। एंड स्मॉल स्टिक्स विच आर यूज टू मेक द वॉल्स और द फेंस ऑफ द केबिन। और वहां पे जाके वो जो कमरा बनाना चाहते हैं वो लकड़ी का बनाना चाहते हैं। वहां पे जाके वो कमरा बनाना चाहते हैं, वो लकड़ी और क्ले की मदद से वो कमरा बनाना चाहते हैं। तो जो ये पोएट है वो कहते हैं, जो विलियम यीट्स है, वो कहते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो एनिस्फ्री आइलैंड जाना चाहते हैं। वहां पे जाके वो एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहते हैं, छोटा सा रूम बनाना चाहते हैं। किसकी मदद से, छोटी छोटी स्टिक्स की मदद, छोटी छोटी लकड़ियों की मदद से और क्ले की मदद से। क्ले मतलब मिट्टी, इन दोनों की मदद से वहां पे जाके क्या बनाना चाहते हैं, छोटा सा कमरा बनाना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। As he will need some food to eat also, so he will grow 9 rows of beans near his room. अब जब वहां पे वो एक रूम बना लेंगे अपने लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि वो वहां पे बस रहेंगे और उनके लिए कुछ खाने के लिए होगा ही नहीं। ऑब्वियसली वहां पे कुछ ऐसा बना, ऐसी ऐसी कुछ चीज उगाएंगे जहां जिससे वो अपना पेट भी भर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो वहां पे as he will need some food to eat also, तो वहां पे उनको जरूरत पड़ेगी किसकी, खाने की। ऑब्वियसली उनको खाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे। So he will grow 9 rows of beans near his room. तो वो क्या करेंगे, वो नौ नौ क्या करेंगे, नौ कॉलम, नौ रोज, नौ लाइन उगाएंगे किसकी, ग्रो करेंगे किसकी, बीन्स की। नौ लाइन मतलब नौ कतार, नौ लाइन वो ग्रो कर देंगे उस कैबिन के आसपास किसकी, बीन्स की, जिसकी मदद से वो अपना पेट भी भर पाएंगे। ऑब्वियसली वहां पे वो अकेले तो रहेंगे नहीं। अब ऐसा तो है कि वहां पे अगर वो रहेंगे तो उनको खाना भी चाहिए, तो खाने के लिए वो क्या करेंगे, वो नौ लाइन, नौ रोज, एक नौ रोज की तरह, नौ क्या कर देंगे, नौ रोज की तरह वो वहां पे क्या उगाएंगे, वहां पे वो बीन्स उगाएंगे जिसकी मदद से वो अपना पेट भर पाएंगे, ठीक है। ऑल्सो ही विल गेट द हनी फ्रॉम हनी बी हाइव। अब वो क्या करेंगे, वहां पे वो मधुमक्खी का छत्ता भी रखेंगे जिसकी मदद से वो ताजा ताजा जो शहद है वो भी ले पाए। मतलब वो दो चीज खाने के लिए, वो दो चीजों की बात की यहाँ पे। पहली, वो वहां पे नौ रोज, नौ कॉलम उगाएंगे किसकी, बीन्स की, अपने रूम के आसपास जो बनाएंगे वहां पे एनिस्फ्री में जाके। और उसके पास वो वहां पे वो क्या रखेंगे, वो मधुमक्खी का छत्ता भी रखेंगे जहां से वो जो शहद है, जो ताजा शहद है वो भी ले पाए, ठीक है। समझ में आ गया। He says that the open space where he will build his room will be full of buzzing sound of bees and over there he will live all alone in peace and tranquility. He says that the open space, जो open space रहेगी, वो कहां पे गए बनाने के लिए, एनिस्फ्री में। वहां पे क्या, उन्होंने एक बहुत ओपन स्पेस देखी है जहां पे वो क्या करेंगे, अपने रूम बनाएंगे, जो किसकी मदद से बनाएंगे, क्ले और स्मॉल स्टिक्स की मदद से वहां पे क्या बनाएंगे, रूम बनाएंगे, कैबिन बनाएंगे। उसके आसपास वो नौ रो उगाएंगे, नौ रोज उगाएंगे किसकी, नौ रोज, ये रोज है मतलब नौ कतार एक तरीके से, वो उगाएंगे किसकी, बीन्स की, खाने के लिए। और वहां पे वो मधुमक्खी का छत्ता भी रखेंगे किस लिए, जिससे वो ताजा ताजा शहद ले सके, ठीक है। Where he will build his room will be full of buzzing sound of bees and over there. Now,
जहां पे वो खुले एरिया में जहां पे अपना रूम बनाएंगे और उसके आस के पास वो जब मधुमक्खी का छत्ता रखेंगे, तो जो मधुमक्खी का छत्ता होगा उसमें जो मधुमक्खी होंगी बहुत सारी होंगी, तो जो उसका रूम है वो हमेशा मधुमक्खी की भिन भिनाने की आवाज से भरा रहता होगा। वो क्या कहते हैं कि जब वो अपना रूम बनाएंगे वहां पे कैबिन बनाएंगे तो उसके आसपास वो क्या रखेंगे, मधुमक्खी का छत्ता रखेंगे, तो उससे क्या होगा जितनी भी मधुमक्खी है वो उसके रूम में क्या करेंगे भिन भिनाती रहेंगी, मतलब उसके रूम में जो भिन भिनाने की आवाज है वो गूंजती रहेगी जब वो मधुमक्खी का छत्ता वहां पे रख देगा या ला देगा। ठीक है, ही विल लिव ऑल अलोन, और वो कहते हैं फिर वो वहां पे अकेले शांति से रहेंगे, अकेले रहेंगे। ठीक है, इन पीस एंड ट्रैंक्वलिटी, पीस और ट्रैंक्वलिटी का मतलब होता है शांति में। ठीक है, वो कहते हैं कि वहां पे उस रूम में वो अकेले रहेंगे शांति से। ठीक है, तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का, मतलब इस पहले पार्ट का, स्टैंजा का। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं विलियम ईट्स। जो विलियम ईट्स है वो कहते हैं कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं एनिस फ्री आइलैंड जाना चाहता हूँ जहां पे मैं बचपन में रहा करता था। वहां पे जाके मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहता हूँ, छोटा सा रूम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जहां पे मैं रह सकूँ, और उस रूम को मैं किसकी मदद से बनाना चाहता हूँ, क्ले की मदद से जो एक मिट्टी है, और स्मॉल स्मॉल स्टिक्स की मदद से, छोटी छोटी लकड़ियों की मदद से मैं वॉल बनाना चाहता हूँ। इन दोनों की मदद से वो छोटा सा रूम बनाना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली वहां पे वो रहेंगे तो उनको खाना भी है, तो खाने के लिए वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वहां पे वो क्या करेंगे, वहां पे वो 9 रोज 9 कतार एक तरीके से 9 लाइन किसकी ग्रो कर देंगे, बीन्स की, जिससे वो अपना पेट भर पाए। उसके बाद वो मधुमक्खी का छत्ता भी वहां पे रखेंगे, वो वहां पे मधुमक्खी का छत्ता भी रखेंगे जिससे वो ताजा ताजा जो शहद है वो निकाल पाए उस मधुमक्खी के छत्ते से। फिर वो आप कहते हैं कि बट इससे क्या होगा, जब मधुमक्खी का छत्ता वहां पे होगा तो इससे क्या होगा कि जो मेरा पूरा रूम है वो किससे भर जाएगा, वो मधुमक्खी की आवाज से, मधुमक्खी की जो भिन भिनाने की आवाज है उससे गूंजने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं अकेले रहूंगा और शांति में रहूंगा। ठीक है, तो ये था मीनिंग इस स्टेंजा का, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल। चलिए गाइस अब सेकंड स्टेंजा देखते हैं, चलिए गाइस अब सेकंड स्टेंजा देखते हैं, किसका, द लेक आइल ऑफ एनिस्ट्री का। ठीक है, चलिए, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो बहुत ही हार्ड है समझने में। ठीक है, सो सबसे पहला वर्ड है वेल्स। वेल्स का मीनिंग होता है गाइज अ पीस ऑफ फाइन मटीरियल वॉर्न बाय वुमेन टू प्रोटेक्ट, विमेन टू प्रोटेक्ट और हाइड द फेस। ऐसा पीस, ऐसा कपड़ा जो औरतों के द्वारा पहना जाता है अपने फेस को कवर करने के लिए, बट वो ऐसा कपड़ा होता है, इतना पतला कपड़ा होता है कि आपको आर पार दिख जाता है, मतलब इतना पतला कपड़ा होता है कि आपको, आपने ओढ़ा हुआ है बट आपको दिख रहा है कि सामने क्या है। ठीक है, जैसे आप ये एग्जाम्पल में देख सकते, जैसे इस लड़की ने जो ये ओढ़ा हुआ है, ये एक ऐसा कपड़ा है जिसमें आप आर पार देख सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखेगा, थोड़ा सा रफ रफ दिखेगा, बट आप इजिली तो भी देख पाओगे। ठीक है, तो वेल्स उस चीज को बोलते हैं, उस पीस को बोलते हैं, उस कपड़े को बोलते हैं जिससे आपको जो ढका होता है बट आपको आर पार दिखने लगता है। ठीक है, उसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, एक एन इंसेक्ट रिलेटेड टू ग्रास हॉपर बट विथ शॉर्टर लेग्स। ये जो क्रिकेट, ये जो इंसेक्ट है, ये बिल्कुल सेम दिखता है ग्रास हॉपर की तरह, ग्रास हॉपर की तरह, बट इसके जो लेग है, इसके जो पैर, वो थोड़े से छोटे होते हैं अगर इसको हम कंपेयर करें ग्रास हॉपर से। ठीक है, द मेल प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूजिक, म्यूजिकल चिरपिंग साउंड। और ये जो क्रिकेट जो इंसेक्ट है, ये क्या करते हैं, ये साउंड निकालते, एक तरीके से गाता है। ठीक है, लिनेट अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ शॉर्ट बीक। अब ये जो लिनेट है, ये क्या है, एक छोटा सा ब्राउन और ग्रे कलर का क्या एक बर्ड है जिसकी क्या है, छोटी सी चोंच है, जिसकी छोटी सी चोंच है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और वर्ड है ये ग्लिमर। ग्लिमर का मतलब होता है गाइस मीन समथिंग विच इज शाइनिंग, कोई ऐसी चीज जो बहुत चमक रही है, कोई ऐसी चीज जो बहुत चमक रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिमर। ठीक है, अब हमने वर्ड मीनिंग देख ली, अब हम इस ये जो स्टेंजा है इसकी हम क्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस सेकंड स्टेंजा की। ठीक है, चलिए, इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट व्हेन इन एनिस्फ्री ही विल फील पीसफुल एंड ही सेज दैट द फीलिंग ऑफ पीस इज फेल्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली। ही डिस्क्राइब्स हाउ ही वुड फील पीसफुल
इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी एंड द व्यू इज नॉट वेरी क्लियर देन इट विल अपियर एज इफ द मॉर्निंग हैज वोन अ वेल एंड हैज हिडन इटसेल्फ लुकिंग एट दिस सीन विल मेक हिम फील पीसफुल फर्दर ही सेज दैट व्हेन द मेल क्रिकेट इंसेक्ट विल सिंग अ सॉन्ग दैट साउंड विल ब्रिंग हिम अ पीस Also at midnight, when he will see that the twinkling stars in the open sky, their shine will give him peace. In the afternoon, when the sun light will give him a purplish glow, it will also give him peace. During the evening, when he will see the linnet birds flying in the sky, then also he will feel peaceful. ये जो second stanza है, इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस पोएट को जो विलियम यीट्स है उसको बहुत ही आराम बहुत ही शांति प्रोवाइड करती है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको बहुत आराम प्रोवाइड करती है ठीक है किन किन चीजों को देख के उनको बहुत ही आराम महसूस मिलता है ठीक है चलिए गाइस इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज द वेन इन द एनिस्ट्री जब वो एनिस्ट्री में होंगी जब वो एनिस्ट्री में होंगे उसके बाद उन्होंने वहां क्या कर दिया अपना छोटा सा रूम बना लिया छोटा सा कैबिन बना लिया किसकी मदद से क्ले की और लकड़ियों की मदद से फिर उसके बाद वो क्या करते हैं अपने अपने जो रूम है उसके चारों ओर क्या कर देते हैं नौ नौ कतार नौ लाइन नौ कॉलम ग्रो कर देते हैं किसके बीन्स के क्योंकि उनको खाना भी तो खाना है उनको पेट भी तो भरना है और उसके साथ साथ वो मधुमक्खी का छत्ता भी वहां रखते हैं जिससे क्या हो जिससे वो ईजली जो मधुमक्खी है जो उससे जो शहद निकलता है उसको ले सके उसको पी सके ठीक है खाने के लिए ठीक है अब क्या होगा वहां पे जो उन्होंने रूम बनाया वहां पे क्या है कि जो मधुमक्खी है वो बहुत क्या करेगी बहुत भिन भिनाएंगे तो इससे क्या होगा जो उसको रूम है वो बहुत ही एक तरीके से मधुमक्खी की जो भिन भिनाने की आवाज है उससे क्या होगा भरा हुआ होगा ठीक है ये चीज थी फर्स्ट स्टैंजा की अब जो सेकेंड स्टैंजा है सेकेंड स्टैंजा हम ये देखें कि और कौन कौन सी चीजें जो उसको आराम प्रोवाइड करेंगे शांति प्रोवाइड करेंगे ठीक है When in Innisfree, जब वो Innisfree में होंगे he will feel peaceful. वो बहुत ही आराम महसूस करेंगे वो बहुत ही शांतिपूर्ण महसूस करेंगे पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण बहुत ही आराम महसूस करेंगे And he says that the feeling of peace is felt slowly and gradually. और जो पोएट है वो कहते हैं कि ये जो फीलिंग होती है ये जो भावना होती है शांति की आराम की बहुत ही स्लोली स्लोली आती है बहुत ही ग्रेजुअली आती है जल्दी से नहीं आएगी आप बहुत ही स्लोली स्लोली आपके अंदर चढ़ती है आपको बहुत ही देर से आपको पीस मिलना शुरू होता है आपको आराम मिलना शुरू होता है ठीक है ही डिस्क्राइब हाउ ही वुड फील पीसफुल और फिर ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वो आरामदायक कैसे वो शांति फील कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे ठीक है चलिए गाइस अब देखते हैं कि कैसे वो शांति फील करते हैं वहां पे ठीक है इन द मॉर्निंग टाइम जब सुबह सुबह होगी व्हेन इट इज क्लाउडी क्लाउडी मतलब जब आकाश में क्या होगा जब बहुत सारे बादल आ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि बारिश होने वाली है एंड द व्यू इज नॉट वेरी क्लियर और आप इजिली आप क्लियरली आकाश को नहीं देख पाएंगे क्यों क्योंकि क्या है बहुत सारे बादल आ गए और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही है सुबह टाइम सुबह के समय Then it will appear as if the morning has worn a veil and has hidden itself. तो ऐसा लगेगा कि जो आकाश है उसने एक तरीके का कपड़ा ओढ़ा हुआ है अपने ऊपर जो जिससे क्या लग रहा है कि वो जो आकाश है उसको आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो तो वो जो बादल है जो क्लाउड है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कपड़ा है और उन्होंने किसको ओढ़ा हुआ है आकाश को ओढ़ा हुआ है और आकाश को आप इसीलिए क्लियरली नहीं देख पा रहे हो ठीक है आपने देखा होगा जब कोई वुमन कोई कपड़ा ओढ़ लेती है बट आपको ना उसका फेस बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा क्यों क्योंकि उसने जो कपड़ा ओढ़ा हुआ है वो बहुत ही धुंधला धुंधला सा होता है आपको उसका फेस तो दिखेगा बट क्लियरली नहीं दिखेगा ठीक है आपको साफ साफ नहीं दिखेगा क्लियरली नहीं दिखेगा तो यहाँ पे सेम वो चीज डिक्टेट करिए सेम चीज बताइए कि जब आप बादल आकाश को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जो आकाश है बहुत ही धुंधला धुंधला दिखेगा बहुत क्लियर नहीं दिखेगा क्यों क्योंकि वो किससे कवर है वो बादलों से कवर है ठीक है ऐसे लग रहा है कि आकाश ने क्या हुआ है आकाश ने बादलों को ओढ़ा हुआ है ठीक है आगे देखते हैं तो ये चीज उसको बहुत बहुत ही आराम प्रोवाइड करेगी बहुत ही शांति प्रोवाइड करेगी किसको पोएट को फर्दर ही सेज दैट व्हेन द मेल क्रिकेट इंसेक्ट विल सिंग अ सॉन्ग फिर आगे वो कहता है कि जब मेल क्रिकेट इंसेक्ट जो बिल्कुल ग्रास हॉपर की तरह लगता है जिसके बस पैर छोटे बट वो ओवरऑल बिल्कुल ग्रास हॉपर की तरह दिखता है जब वो गाना गाएगा तो जो उसकी जो आवाज निकलेगी वो उसको क्या प्रोवाइड करेगी उसको बहुत ही शांति बहुत ही आराम प्रोवाइड करेगी ट्रैंक्वालिटी प्रोवाइड करेगी बहुत ही शांति प्रोवाइड करेगी किसको पोएट को ठीक है दैट साउंड विल ब्रिंग हिम एट पीस उसको क्या प्रोवाइड करेगी शांति प्रोवाइड करेगी उसको बहुत ही आराम मिलेगा
एंड इज फ्री में ऑल्सो एट मिड नाइट वेन यू विल सी द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द ओपन स्काई. और जब रात के समय जब वो ट्विंकलिंग स्टार्स मतलब वो चमकते हुए सितारों को देखेगा, जब वो चमकते हुए सितारों को देखेगा ओपन स्काई में खुले आकाश में, जब जो पोइट है वो चमकते हुए सितारों को देखेगा, चमकते हुए स्टार्स को देखेगा खुले आकाश में, देयर शाइन विल गिव हिम पीस. जो उनकी जो रोशनी, उनकी जो चमक है, शाइन मतलब जो चमक है, वो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, बहुत ही पीस प्रोवाइड करेगी, बहुत ही शांति प्रोवाइड करेगी. इन द आफ्टरनून दोपहर के समय, व्हेन द सनलाइट विल गिव अ पर्पलिश ग्लो. आपने देखा होगा जब दोपहर के समय जो सन है उसमें से जो लाइट निकलती है वो बहुत ही पर्पल कलर की निकलती है. तो जब वो उस लाइट को देखेगा, जब उस रेस को देखेगा, जब उस रोशनी को देखेगा, ठीक है, जब उस ग्लो को देखेगा जो पॉइंट, तो उसको उससे बहुत ही ज्यादा पीस मिलेगा. वो चीज उसको क्या देगी, बहुत ही ज्यादा पीस देगी, आराम देगी, एक तरीके से शांति देगी. ड्यूरिंग द इवनिंग शाम के समय, When he will see the linnet bird flying in the sky, जब वो linnet bird को देखेगा उड़ते हुए शाम के समय, there also he will feel peaceful. तो भी उसको बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण फील होगा, उसको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा. ठीक है, तो ये था मीनिंग इस वाले स्टेंजा का. मैं फिर से समझाता हूँ आपको. ठीक है, अभी तक तो हमने ये देखा था फर्स्ट स्टेंजा में कि वो एनिस फ्रे जाना चाहता है, वहां पे जाके वो एक छोटा सा केबिन बनाना चाहता है, केबिन के आसपास वो 9 रोज उगाना चाहता है, किसकी, बीन्स की, वहां पे वो मधुमक्खी का छत्ता रखना चाहता है जिससे वो इजिली क्या ले सके, ताजा ताजा शहद ले सके. ठीक है, उसके बाद अब देखते कि कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको बहुत ही पीस देती है, ट्रैंक्वालिटी देती है. तो उनमें सबसे पहली है कि जब सुबह सुबह जब वो बाद आकाश को देखते हैं, और आकाश किससे कवर है, बहुत सारे बादलों से कवर है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है. तो जब वो उस मूवमेंट को देखते हैं, जब वो ऐसे देखते हैं कि वो आकाश को क्लियरली नहीं देख पा रहे, क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसने, आकाश ने जो बादल है उनको ओढ़ा हुआ है. तो बहुत ही विजिबल नहीं देख पा रहा है वो, किसको, विजिबली आकाश को नहीं देख पा रहा है, क्लियरली वो नहीं देख पा रहा है. तो वो चीज उसको क्या दे रही है, बहुत पीस दे रही है, बहुत ही आराम दे रही है. फिर दूसरी चीज बताता है, जब वो मेल क्रिकेट को गाते हुए देखता है, गाते हुए सुनता है, ठीक है, तो उसको बहुत क्या मिलती है, बहुत ही ज्यादा पीस मिलती है. फिर उसके बाद बताया जाता है, जब वो सितारों को, जब वो स्टार्स को चमकते हुए देखता है ओपन स्काई में, खुले आसमान में, तो उसको बहुत ज्यादा क्या लगता है, उसको बहुत ही शांति महसूस होती है. और उसके बाद एक और जो लास्ट बार बताया, जब उसको शांति महसूस होती है, जब सन की जो रेज होती है दोपहर के समय जो निकलती है, जो ग्लो निकलता है, जब वो उसको देखते हैं तो उससे भी उसको शांति महसूस होती है. और एक और जगह उसको शांति महसूस होती है, उसको बहुत ही पीसफुल लगता है, वो है जब वो लिनेट बर्ड को उड़ता हुआ देखता है शाम के समय, तो उसको बहुत ही क्या मिलता है, पीस मिलता है. तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का, सेकंड स्टैंजा का. समझ में आ गया, अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं, और जो हमारा थर्ड स्टैंजा है वो हमारा लास्ट स्टैंजा है. ठीक है, चलिए चलिए गाइस, अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं. थर्ड स्टैंजा है, आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हेयर द लेक वॉटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. और सबसे पहले आप वो words देख लेते हैं जो थोड़े से hard है, उनके meaning देख लेते हैं. So सबसे पहले है night and day. Well guys, night and day का मतलब होता है all the time, हर समय, all the time, हर समय. Lapping, lapping मतलब striking, striking मतलब टकराना, striking मतलब टकराना. Heart's core, the innermost part of the heart, the innermost पार्ट ऑफ द हार्ट. दिल का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या कहा गया, हार्ट्स कोर, हार्ट्स कोर. अब हम इस स्टैंजा का मीनिंग देखते हैं कि इसमें पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है. चलिए एक्सप्लेनेशन. इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट नाउ ही विल स्टैंड अप एंड गो टू एनिस फ्रे. अब ये जो पोएट है वो क्या करता है, वो खड़ा होता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो क्या करेगा, वो एनिस फ्रे जाएगा. कहाँ जाएगा, एनिसफ्री आइलैंड. एनिसफ्री क्या है, एक तरीके से एक लेक है. ठीक है, बिकॉज ऑल द टाइम, क्योंकि हर समय द साउंड ऑफ द लेक वाटर स्ट्राइकिंग द शोर रिपीट्स इन हिज माइंड. कि हर समय क्या होता है, वो जो एनिसफ्री में जो लेक है, एनिसफ्री में जो लेक है, जो झील है, उसमें क्या हो रहा है, जब उसका पानी किनारों से टकराता है तो उसमें से जो आवाज निकलती है वो साउंड उसके कानों में, उसके दिमाग में गूंज रही है, उसके कानों में, उसके दिमाग में बसी हुई है. ठीक है, दिस साउंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक. और ये जो साउंड है, जो पानी, झील का पानी जब टकराता है किससे, जब वो टकराता है शोर से, ठीक है, किनारों से जब वो टकराता है तो उसमें से जो आवाज निकलती है वो उसको अट्रैक्ट करती है, किसको,
पोएट को, वेयर एवर ही इज, आइदर स्टैंडिंग ऑन द रोडवे और इन द ग्रे कलर पेवमेंट, चाहे वो कहीं पे भी है, चाहे वो किसी रोड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, या वो किसी फुटपाथ पे खड़ा हुआ है, चाहे वो कहीं पे खड़ा हो, बट उसको वो आवाज, उसके जो पानी की जो आवाज है टकराने की, वो उसके दिमाग में घूमती रहती है, उसके माइंड में, ठीक है. ही हियर्स द साउंड डीप इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट. और ये जो आवाज है जो पानी से निकल रही है टकराने के बाद, वो उसके दिल में, जो उसका इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट है उसके दिल का, उसमें उसकी गहराई में वो क्या है, उसको बहुत ही महसूस होता है. उसके जो दिल की जो इनर मोस्ट पार्ट, सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट है, उसकी गहराई में उसकी वो आवाज है, वो उसको क्या होती है, फील होती है. किसको? पोएट को. मैं फिर से आपको इस स्टेंजा एक्सप्लेन करता हूँ. जो लास्ट स्टेंजा, उसमें ये है कि वो खड़ा होता है, वो खड़ा होता है, अभी तक तो वो उस एनिस फ्री के बारे में सोच रहा है, और उसको क्या क्या चीजें पसंद आती हैं, उसको क्या क्या चीजें पसंद आती है, उसको कौन कौन सी चीज शांतिपूर्ण लगती है. बट अब वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि अब वो खड़ा होगा और वो जाएगा कहाँ पे, एनिस फ्री में. क्योंकि जहां पे एनिस फ्री में क्या है, एक लेक है, और लेक में जो पानी है जब वो किसी किनारों से टकराता है तो उसमें से जो आवाज निकलती है वो उसको बहुत ही पसंद है, और वो आवाज उसको अट्रैक्ट करती है, नहीं हो, ठीक है. और फिर क्या होता है कि अब वो आवाज उसको कहीं पे भी सुन जाती है, कहीं पे भी उस आवाज को महसूस करने लगता है, चाहे वो रोड पे खड़ा है, चाहे वो फुटपाथ पे खड़ा है, उसको हमेशा उसके दिमाग में वो आवाज घूमती रहती है उस पानी की टकराने की, ठीक है. ही हेयर्स द साउंड डीप, जो आवाज निकलती है उसमें से, वो उसके जो दिल का जो इनर मोस्ट पार्ट है, दिल का जो इनर मोस्ट पार्ट है, उसकी गहराई में वो ऐसा बस चुका है कि वो हमेशा उसको हमेशा उसको उस जगह ले जाता है, उस लेक के पास ले जाता है, ठीक है. तो ये था मीनिंग इस स्टेंजा का, मतलब थर्ड स्टेंजा का. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल. चलिए गाइस आगे देखते हैं. गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने ये जो पोएम है द लेक आइल ऑफ एनिसफ्री, ये पूरी एक्सप्लेन कर दी है. जो किसने लिखी है? विलियम बटलर यीट्स ने. विलियम बटलर यीट्स ने. आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास. गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई क्वेरीज है, आप प्लीज इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. सो एट लास्ट आई जस्ट हैव ओनली वन रिक्वेस्ट यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सीबीएसईटी पॉइंट. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.